तो सरकार ने कह दिया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। स्वास्थ्य मंत्री साहब की चिट्ठी भी आ गई, देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हिला कर रख दिया। हर घर में कोई ना कोई मरीज था, हर दूसरा आदमी ऑक्सीजन के लिए परेशान था। लेकिन क्या ये सब कुछ ड्रामा था? सरकार की एक चिट्ठी ने साबित करने की कोशिश की है कि जो लोग गाड़ियों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लादे इधर उधर भाग रहे थे, वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बल्कि एक खिलौना था। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन मास्क लगाकर बैठा ये शख्स फोटो खिंचवाने के लिए बैठा था। मतलब सरकार की चिट्ठी तो यही बताती है, कितनी तस्वीरें दिखाएं। अब आगरा की इस अम्मा को कौन बताए कि सरकार की नजर में तुम्हारा पति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा? वाराणसी की इस अम्मा को कौन बताएगा कि तुम्हारा बेटा ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा? अरे मरने वाले हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं, खुद ही गला घोट कर मर गए। सरकार ये कह रही कि राज्यों ने आंकड़ा दिया ही नहीं, तो हम कैसे मान ले कि देश में लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे गए? अरे गिरे हुए थे वो लोग जो कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इधर उधर भागते फिर रहे थे, देशद्रोही कहीं के। रामराज वाली सरकार आंखों में खटक रही थी इनके, गद्दार लोग। बताइए तो सरकार ने क्या फुल इंतजाम किया हुआ था? वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन दे दी थी, अब क्या चाहिए? अरे मूर्खो, वायुमंडल की ऑक्सीजन से सांसें खींच नहीं सकते थे क्या? ऑक्सीजन से मरे, ऑक्सीजन से मरे, क्या रट लगा रखा है? हे बुक्का फाड़ कर रोने वाले देशद्रोहियों, क्या तुम्हारी अंतरात्मा भी मर गई थी? कह दो कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, ये सब ड्रामा था, ये सब दिखावा था, धोखा था, फरेब था, बदनाम करने की साजिश थी। अरे अरे देखो तो जिल्लेलाही के खुफिया तंत्रों ने क्या खूब अध्ययन किया है। देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं, सांसों की दिक्कत किसी को हुई ही नहीं। मतलब 9 जून को ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करते हुए नितिन गडकरी झूठ बोल रहे थे। कोविड के अनुभव में हमें ये ध्यान में आया कि कोई पेशेंट 1 मिनट में 4 लीटर 5 लीटर ऑक्सीजन लेता है, तो किसी को 20 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ता है। इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी और उसके कारण अनेक दिक्कतें सामने आई। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की वो टिप्पणी भी झूठी निकल गई जिसमें हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन से मौतों को नरसंहार के बराबर माना था। आज कहा है कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, कल कहेंगे कोई पैदल चला ही नहीं, कोई रास्ते में मरा ही नहीं, देश में कोई भूखा रहा ही नहीं, तेल के दाम बढ़े ही नहीं, और किसी दिन ये भी कह देंगे कि जीडीपी गिरी ही नहीं। इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो उसमें जरूर लिखा जाएगा कि दुनिया में एक देश भारत है जिसने एक वक्त ऐसी सरकार देखी जिसकी आंखों में शर्म नहीं था, जिसका ईमान मर चुका था, जो आम आदमी की संवेदनाओं का सौदा कर देती थी और एक आदमी की जिंदगी उसके लिए एक आंकड़े का मोल भी नहीं रखती थी।